रायबरेली जनपद के खीरो क्षेत्र में एक ऐसा हादसा प्रकाश में आया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जब 45 बच्चों से भरी स्कूल की बस में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। गलीमत रही कि ड्राइवर व कंडक्टर ने अपनी सूझबूझ से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं कॉपी किताबें व बैग वाहन में जलकर खाक हो गए। फिलहाल बस में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं अगर बस में आग बुझाने का यंत्र मौजूद होता तो शायद बस की आग पर काबू पाया जा सकता था। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड भी 2 घंटे बाद पहुंची। वहीं ग्रामीणों की माने तो एम्बुलेंस व प्रशासन भी लेट पहुंचा। आपको बता दें कि खीरो कस्बा पुलिया से पाहो रोड स्थित न्यू सरस्वती ज्ञान मंदिर बालिका इंटर कॉलेज की बस संख्या UP 3380-6209 बताई जा रही है, जिस स्कूल से स्कूली बच्चों को उनके घर छोड़ने डूमठहर निकट पहुंची थी। तभी बस में अचानक आग लग गई। किसी तरह आनन फानन बच्चों को बस से बाहर निकाल लिया गया। वहीं आग से बस पूरी तरह जलकर ध्वस्त हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो बस के चालक और कंडक्टर ने बड़ी सतर्कता के साथ ग्रामीणों की सहायता से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन बच्चों के बैग और कॉपी किताब जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंची खीरो पुलिस ने घटना का जायजा लिया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि घटना के बाद सूचना देने पर भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जबकि घटना के लगभग 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड का वाहन मौके पर पहुंचा, जब तक ग्रामीणों ने पूरी तरह से बस में लगी आग बुझा ली थी। फिर भी फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने अपना फर्ज निभाते हुए अपनी ड्यूटी को पूरा किया, इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोशित बना रहा। घटना के बाद सूचना पर पहुंचे अभिभावक व स्कूल प्रशासन ने अपने बच्चों को अपने साथ ले गए। वहीं बच्चों को विद्यालय की दूसरी बस के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। खुलेआम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़, जांच के नाम पर खानापूर्ति। जी हां, जनपद क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर स्कूलों में जर्जर वाहनों के सहारे बच्चों को बैठाकर उनके घर पहुंचाया जाता है और उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। अगर वाहनों की जांच की जाए तो किसी की लाइट टूटी मिलेगी तो किसी में बीमा नहीं मिलेगा। फिर भी लापरवाही RTO विभाग इन गाड़ियों का फिटनेस जारी कर देता है, जो एक बड़ा सवाल है। यही नहीं, स्कूली वाहनों में अग्निशमन यंत्र भी मौजूद नहीं होता, ना ही उनके ड्राइवर कंडक्टर को आग बुझाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में स्कूल वाहन खुले तौर पर स्कूली बच्चों के भविष्य व जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हर थाना क्षेत्र में अगर पुलिस कोई आदेशित किया जाए कि हर स्कूल के वाहन के सारे कागजात चेक किए जाएं, तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो सकता है। लेकिन ARTO विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन तक सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। ऐसे में यह वाहन सभी के सामने स्कूली बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर भरते हुए फर्राटा भरते नजर आते हैं। सुप्रसाद सैनी, क्या नाम है? सुप्रसाद सैनी, ग्राम जेरी, जिला रायपुर। क्या मामला है? मामला ये है, हमारे यहाँ सरस्वती न्यू सरस्वती विद्यालय पाहो रोड खीरो से बस लेकर के बच्चों को आती है। इधर बेटा अतराहार मुस्लिम उतारते हुए बच्चों को जाती है, तो वहाँ से आने के बावजूद में हादसा यहीं पर अचानक बस में आग लगी, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर ने बड़ी सहानुभूति कार्य किया, जिससे बच्चों को तत्काल बाहर निकाल दिया। इसमें जो है सारे बच्चे सुरक्षित निकल आए, बच्चों को कापी किताबें निकल गई। बच्चों की कापी किताबें निकालने के चक्कर में पड़ जाते, बच्चे अंदर रह जाते। उन्होंने बड़ी उससे काम किया, हिम्मत से, कि बच्चों को तत्काल निकाल दिया। उसके बाद में आग की क्षेत्रीय जो जनता थी, जिसे जानकारी मिली, तुरंत आ करके आग में काबू पाया। और शासन की तरफ से हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं हो पाई अभी तक। फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1.5 घंटा हो रहा अभी नहीं आ पहुंची है। प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई गाड़ी व्यवस्था नहीं। कोई बालक हताहत तो नहीं हुए? नहीं, बालक सारे सुरक्षित निकल आए हैं, बालक अपने अपने घर में जा चुके हैं। तो हमारा यही कहने का मतलब है, जो आपका हमने फोन किया था, मुख्यमंत्री कार्यालय को नंबर मिल नहीं पाया। मैंने उनको अवगत कराना चाहता था कि आपके प्रशासन में ये अनियमितताएं बहुत हो रही हैं, ना स्वास्थ्य की तरफ से हमारे यहाँ कोई सेवा हो पाई है, और ना एम्बुलेंस की अभी तक गाड़ी आ पाई हुई, और ना अभी हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी नहीं पहुँच चुकी है। इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को।